नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं MGSU एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं कि MGSU जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो किस प्रकार से रहने वाला है। साथ ही में दोस्तों आपको ये जैसे 5 पॉइंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही में जैसे आप सभी को मालूम होगा जो MGSU यूनिवर्सिटी है उसने अपना जो एग्जाम पैटर्न वो जारी कर दिया सभी मतलब कि स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर का स्टूडेंट हो और जो फाइनल ईयर का स्टूडेंट हो। और इसी के बाद दोस्तों जो भी MGSU के स्टूडेंट है उनके 12 अगस्त से जो एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो उनका जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो किस प्रकार से रहने वाला है आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों फर्स्ट में तो अपन जो फर्स्ट पॉइंट है ये बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं, जैसे एग्जाम पैटर्न क्या होगा, जो MGSU का जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो किस प्रकार से रहने वाला है। इसी के बाद जो सेकंड पॉइंट रहेगा कितने पर्सन आपको हल करने होंगे और कितनी यूनिट आपको पढ़नी होगी जिससे आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। इसी के बाद दोस्तों आप यहाँ पर थर्ड पॉइंट देख सकते हो, क्या अथवा और वाले प्रश्न भी आपको हल करने होंगे या आ सकते हैं, वो क्वेश्चन भी क्या आपके एग्जाम पैटर्न में आ सकते हैं। इसी के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो फोर्थ नंबर पर, क्या प्रथम वर्ष की भी परीक्षा होगी। तो दोस्तों आप सभी को जैसा मालूम होगा जो MGSU ने जो अपना एग्जाम पैटर्न है वो जारी किया है, तो उसमें जो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट सेकंड ईयर के स्टूडेंट है उनका भी एग्जाम पैटर्न साथ ही में जारी कर दिया है। क्या फर्स्ट ईयर का भी मतलब कि प्रथम वर्ष की भी क्या परीक्षा होगी। इसी के बाद जो फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों, क्या एग्जाम पैटर्न सही है। तो आज की इस वीडियो में इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं, जैसे MGSU का जो एग्जाम पैटर्न जारी हुआ है तो उसमें आप सभी को बलीभांति से मालूम होगा जो MGSU है उसने मतलब कि यूनिट की बाध्यता एक तरह से बिल्कुल भी नहीं रखी है। जैसे हर मतलब कि यूनिवर्सिटी रहती है उसमें यूनिट की बाध्यता बिल्कुल खत्म कर दी गई है, लेकिन MGSU में यूनिट की बाध्यता रहने वाली है इस पर कोई मतलब कि क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है दोस्तों। और जहां तक मुझे लगता है तो मतलब कि जो MGSU का एग्जाम पैटर्न है उसमें संशोधन किया जाना चाहिए। तो जैसे आप सभी को मालूम होगा जैसे जो पहले एग्जाम पैटर्न रहता था दोस्तों, वह जैसे सेक्शन ए सेक्शन बी और सेक्शन सी में रहेगा दोस्तों। जैसे आप सभी को मालूम होगा दोस्तों जैसे सेक्शन सी में 10 क्वेश्चन आते हैं, इसी के बाद जैसे सेक्शन बी है सेक्शन बी में जैसे 5 क्वेश्चन आते हैं जो कि और या अथवा में आते हैं दोस्तों। इसी के बाद सेक्शन सी में ओनली 5 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो आप सभी को मैं बता दूं अब की बार जो टाइम रहने वाला है दोस्तों आपका जैसे 1.5 घंटे रहने वाला है। 1.5 घंटे में आपको जैसे एक पेपर को क्लियर करना पड़ेगा, जैसे एक सब्जेक्ट के 2 पार्ट है तो आप सभी को मतलब कि 3 घंटे का टाइम मिलेगा। तो आप सभी को दोस्तों एक मतलब कि एक जो आपकी प्रॉब्लम है वो और मैं क्लियर कर दूं। जैसे आप सभी मतलब कि एक तरह से असमंजस में पढ़े हो, जैसे एक ही विषय के जैसे 5 पार्ट है, जैसे आप मान लीजिए एक विषय के 5-4 पार्ट है, तो आप सभी को मालूम होगा दोस्तों जैसे आपकी बार मतलब कि जो भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम पैटर्न जारी हुआ है उसमें बताया गया है कि कोई भी विषय हो उसका जो जितने भी पार्ट हो उनका एक ही दिन में एग्जाम लिया जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं तो आपका मतलब कि एक दिन में दो ही पार्ट का मतलब कि एग्जाम लिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 2 का ले लिए, 2 अगले दिन आपका लिया जाएगा। तो आप सभी को मैं बता दूं एक दिन में ही 4 विषय का जो एग्जाम रहता है दोस्तों वो बिल्कुल भी नहीं लेने वाले हैं, चाहे फिर वो किसी भी यूनिवर्सिटी के हो। इसी के बाद दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं जैसे अब की बार जो एग्जाम पैटर्न जारी हो रहा है उसमें आप देख सकते हो जैसे सेक्शन ए में जैसे 10 क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। इसी के बाद जैसे सेक्शन बी में आप मान सकते हो दोस्तों जैसे 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे, और जैसे सेक्शन सी में आपको 1 क्वेश्चन मिलेगा। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं जैसे अगर आपकी मतलब कि यूनिट की बाध्यता बिल्कुल खत्म की कर दी जाती, आप सभी को मालूम होगा जो भी यूनिवर्सिटी है, चाहे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी मान लीजिए या और भी यूनिवर्सिटीज मान लीजिए, सभी में जो मतलब कि एक तरह से यूनिट की बाध्यता है उसको बिल्कुल एक तरह से खत्म कर दिया गया है, जिससे मतलब कि आप जैसे 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 क्वेश्चन में से आप कोई से भी मतलब कि 2 या 2.5 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, जिससे आपका मतलब कि पूरा आपका जो सिलेबस है वो क्लियर हो जाता है।
इंच, दो या ढाई क्वेश्चन में, क्योंकि इतनी में आप जैसे दो यूनिट भी पढ़ लेते हो तो आप आराम से पास हो जाते हो। लेकिन अब की बात जैसे एमजीएसयू की यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम पैटर्न जारी हुआ है, इसमें मतलब कि एक तरह से यूनिट की बाध्यता है, इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है। जैसे आप सभी को मालूम होगा अगर अदर यूनिवर्सिटीज है उसमें यूनिट की बाध्यता को बिल्कुल हटा दिया गया, लेकिन एमजीएसयू में शायद यूनिट की बाध्यता है दोस्तों। तो आप सभी को मैं बता दूं, जैसे अगर यूनिट की बाध्यता रहने वाली है तो आपका जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है दोस्तों, जैसे तीन सेक्शन में रहने वाला है। जैसे फर्स्ट सेक्शन में आपके 10 क्वेश्चन आए, सेकंड में 3 या 4 क्वेश्चन, और सी सेक्शन रहेगा उसमें 1 क्वेश्चन मिलेगा। तो आप सभी को मैं बता दूं, आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन में से 6 या 8 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ऐसे मान लीजिए आप दोस्तों, जैसे 5 या 6 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे। इसी के बाद आप मान लीजिए यहाँ पर आपको जैसे बी सेक्शन में आपको 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और जैसे मतलब कि यहाँ पर सी सेक्शन है, सी सेक्शन में जैसे 5 क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पर, सॉरी आपको जैसे मैंने 1 क्वेश्चन लिख दिया, यहाँ पर 5 क्वेश्चन रहते हैं, तो 5 क्वेश्चन में से ओनली आपको 1 ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, अगर मतलब कि एक तरह से आपको यहाँ पर जैसे 50% ही मतलब कि एक तरह से अटेम्प्ट करना होगा, तो आप सभी को मैं बता दूं, जैसे अगर मतलब कि एक तरह से यूनिट की बाध्यता बिल्कुल मतलब कि हटा दी जाती है तो ठीक है, अगर नहीं हटाई जाती है मतलब कि एमजीएसयू यूनिवर्सिटी में, तो आप सभी का ही नुकसान रहने वाला है दोस्तों। और जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, जैसे आप मान लीजिए जैसे यहाँ पर जो एक मतलब कि 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 क्वेश्चन हर क्वेश्चन 1 नंबर का 2 नंबर का आता है, तो आप सभी को मैं बता दूं, जैसे 2 नंबर के क्वेश्चन 4 नंबर के हो जाएंगे, तो 4 × 2 मतलब कि 8 नंबर का तो यहाँ पर ही आपको नुकसान हो जाता है। लेकिन आपको जैसे और इसी के साथ जैसे यहाँ पर आपको बी सेक्शन है, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चनों में नुकसान होता है, लेकिन आपका सी सेक्शन में आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो पाता है। इसी के बाद दोस्तों आप यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है वो आप देख सकते हो, कितने परसेंट करने होंगे आप सभी को। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बिल्कुल बता दिया कि आपको इतने परसेंट करने पड़ेंगे, जिससे आपका मतलब कि 50% जो सिलेबस है या एग्जाम पैटर्न वो क्लियर हो जाता है इसी के बाद। और कितनी यूनिट पढ़नी पड़ेगी आपको मतलब कि पेपर में पास होने के लिए, तो आप सभी को मैं बिल्कुल बता दूं दोस्तों, जैसे आप में से काफी स्टूडेंट है जैसे सोच रहे होंगे कि 2 यूनिट पढ़ लेते हैं, 2 यूनिट में अपन पास हो जाएंगे, तो दोस्तों आपकी जो शंका है मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपको 2 यूनिट बिल्कुल भी नहीं पढ़नी पड़ेगी दोस्तों, आपको 2 यूनिट से भी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा मतलब कि एमजीएसयू का पेपर फाइट करने के लिए। तो आपको मैं बताता हूं कि आपको कितनी यूनिट पढ़नी पड़ेगी जिससे आप अच्छी परसेंटेज बना सकते हो एमजीएसयू यूनिवर्सिटी में। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा, जैसे यहां पर आपको 2 यूनिट दी जाती थी, जैसे आप मान सकते हो राजस्थान यूनिवर्सिटी देख लो या और भी अदर यूनिवर्सिटी है, उनमें 2 यूनिट में आपका मतलब कि एक तरह से जो यूनिट की बाध्यता नहीं रहती थी, जिससे आप आराम से 2 यूनिट में जो भी क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से आप कोई सा भी 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कर लेते थे, जिससे आप अच्छे से अंकों से पास हो सकते थे। लेकिन एमजीएसयू में जो यूनिट की बाध्यता बिल्कुल है दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं, आपको यहाँ पर 2, 2.5 मतलब कि 2.5 या 3 यूनिट आपको बिल्कुल पढ़नी पड़ेगी दोस्तों, जो कि आप सभी के लिए जरूरी है। 2.5 या 3 यूनिट आपको बिल्कुल पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जैसे यहाँ पर 2.5 यूनिट है, तो 2.5 यूनिट में आपका जैसे 1 क्वेश्चन रहता है सी सेक्शन का, वो तो कन्फर्म आ जाएगा दोस्तों। 2.5 यूनिट या 3 यूनिट मान लीजिए आप ज्यादा से ज्यादा, जैसे 3 यूनिट में 1 क्वेश्चन तो आ जाएगा, और यहाँ पर भी आपको जैसे 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, फिर भी यहाँ पर 1 क्वेश्चन की आपको जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए आपको और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यूनिट की बाध्यता अगर हटा दी जाती है तो वो अच्छी बात है, अगर नहीं हटाई जाती है तो आपको यहाँ पर बिल्कुल मतलब कि 3 यूनिट आपको पढ़नी पड़ेगी। इसी के बाद दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, क्या अथवा और वाले प्रश्न आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आप सभी को बताया था, जैसे 5 नंबर का जैसे अथवा और में जो क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आपको मतलब कि 3 या 4 क्वेश्चन ही करने पड़ते थे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो 3 क्वेश्चन ही आपको करने पड़ते थे। इसी के बाद आपको यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन देख सकते हो, क्या प्रथम वर्ष की भी परीक्षा होगी। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, जैसे एमजीएसयू ने जो एग्जाम पैटर्न जारी किया है उसमें जैसे आपको जैसे पार्ट 1st, 2nd, 3rd वहां पर तीनों पार्ट आपको दिखाए गए हैं। लेकिन आप सभी को मैं बता दूं, जो द्वितीय वर्ष के स्टूडेंट है उनके लिए जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो इसी प्रकार से रहने वाला है, और जो उनके एग्जाम होंगे वो जरूर होंगे दोस्तों। आई थिंक उनके एग्जाम जैसे सितंबर या अक्टूबर में जाकर उनके एग्जाम हो सकते हैं। वैसे मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला है जिसमें MLSU यानी मोहनलाल सुकोड़िया यूनिवर्सिटी 25 अगस्त से जो भी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है उनके एग्जाम करवा रही है, और भी यूनिवर्सिटी मतलब कि एग्जाम
एग्जाम करवा सकते हैं, जल्द से जल्द एग्जाम करवा सकते हैं। इसी के बाद दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रथम वर्ष की भी परीक्षा होगी, तो आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों प्रथम वर्ष की बिल्कुल भी परीक्षा नहीं होने वाली है, आपको बिल्कुल एक तरह से घबराना नहीं है। जैसे आपने देख लिया मतलब कि एमजीएसयू ने प्रथम वर्ष का भी एग्जाम पैटर्न जारी कर दिया है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। प्रथम वर्ष का बिल्कुल भी एग्जाम मतलब कि बिल्कुल भी एग्जाम नहीं होने वाले, प्रथम वर्ष के सभी स्टूडेंट प्रमोट होने वाले हैं, क्योंकि सरकार की ये गाइडलाइंस है जिनके खिलाफ एमजीएसयू जाना पसंद नहीं करेगा। इसी के बाद दोस्तों क्या एग्जाम पैटर्न सही है, यानी मतलब दोस्तों जो एमजीएसयू ने जो एग्जाम पैटर्न जारी किया है क्या वो बिल्कुल सही है? तो दोस्तों मेरी नज़रों में तो ये पैटर्न बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसमें अभी भी वो संशोधन होना चाहिए। और वो संशोधन किस में होना चाहिए? एक तो यूनिट की बाध्यता में बिल्कुल संशोधन होना चाहिए, क्योंकि यूनिट की बाध्यता यहाँ पर बिल्कुल ज़रूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि यूनिट की बाध्यता से आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, क्योंकि आपके जैसे हर सेक्शन में आपको यहाँ पर समझ सकते हो जैसे 6 या 8 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने पड़ेंगे, जैसे सेक्शन ए में, सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, सेक्शन सी में आपको 1 क्वेश्चन करना पड़ेगा। अगर जैसे यूनिट की बाध्यता बिल्कुल हटा दी जाती है दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं यूनिट की बाध्यता अगर हटा दी जाती है एमजीएसयू यूनिवर्सिटी में, तो आपको मतलब कि ओनली 2 या 3 क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे, जिससे आप आराम से पास हो सकते हो। और साथ ही में दोस्तों आपको 2 यूनिट ही पढ़नी पड़ेगी, अगर यूनिट की बाध्यता हटा दी जाती है तो 2 यूनिट ही आपको पढ़नी पड़ेगी, जिससे आप आराम से पास हो सकते हो दोस्तों। जैसे मैंने आपको यहाँ पर मतलब कि जो 5 पॉइंट है दोस्तों, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर बता दिए हैं। और आई होप दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में क्योंकि मुझे संशोधन कराना था। जो भी एमजीएसयू के मतलब कि कोई वरिष्ठ अधिकारी सुन रहे हो, तो आप सभी को मैं बता दूं कि जो एमजीएसयू का पैटर्न है इसमें एक तरह से संशोधन होना चाहिए। एक तो इसमें यूनिट की बाध्यता को बिल्कुल हटा दिया जाना चाहिए, जो कि स्टूडेंट्स के हित में रहना चाहिए, जिससे सभी स्टूडेंट को लाभ मिले। तो आई होप दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, और अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन पुटअप हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और साथ ही में मैंने आपको जैसे बता दिया सेकंड ईयर के एग्जाम जरूर होंगे, जो कि मतलब कि सितंबर या अक्टूबर में जाकर हो सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तो गुड बाय दोस्तों।